हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रास्त प्लेस यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त शमसी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेमे फोर्ड रोड एम्यूलेटर में टैक एंड टैक टूर्नामेंट गेम में नीना की मुर्गा वाली पटकी कैसे मारें। दोस्तों, अगर आप इस पटकी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक रास्त प्लेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेमे फोर ड्रॉइड एम्यूलेटर में टैक एंड टैक टूर्नामेंट गेम में नीना को सिलेक्ट कर लिया है। मैं नीना की मुर्गा वाली पटकी आपको 3 स्टेप में बताऊंगा। पहले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि पटकी कैसे पकड़नी है। दोस्तों, हमें पटकी पकड़ने के लिए हैंडल को आगे की तरफ करना होगा, उसके बाद नीचे की तरफ हमें हैंडल करना है, उसके बाद राइट साइड में तिरछा की तरफ हैंडल करना है, उसके बाद ऊपर के 2 बटन को दबाएंगे तो पटकी पकड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव पटकी पकड़ के दिखाता हूँ, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, पटकी पकड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि दूसरा स्टेप कैसे मारना है। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद राइट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है। दोस्तों, मैं आपको दोनों स्टेप एक साथ खेल के दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 स्टेप में यहाँ तक मार रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि तीसरा स्टेप कैसे मारना है। 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें लेफ़्ट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद राइट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद ऊपर के बटन को 2 बार दबाना है। तो दोस्तों, मैं आपको तीनों स्टेप एक साथ खेल के दिखाता हूँ, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, 3 स्टेप में यहाँ तक पूरी पटकी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताता हूँ, हमें पटकी पकड़ने के लिए हैंडल को आगे की तरफ करना है, उसके बाद हैंडल को नीचे की तरफ करना है, उसके बाद राइट साइड में हमें तिरछा की तरफ हैंडल करना है, उसके बाद ऊपर के 2 बटन को दबाएंगे तो वो पटकी पकड़ेगी। दोस्तों, जब वो पटकी पकड़ ले तो पटकी पकड़ने के बाद हमें दूसरे स्टेप के लिए लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद राइट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है। तो दोस्तों, जब वो 2 स्टेप कंप्लीट कर ले तो उसके बाद हमें तीसरे स्टेप में लेफ़्ट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद लेफ़्ट हैंड के बटन को दबाना है, उसके बाद राइट फुट के बटन को दबाना है, उसके बाद ऊपर के बटन को 2 बार दबाना है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको तीनों स्टेप एक साथ खेल के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 3 स्टेप में पूरी पटकी कंप्लीट मारेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।